तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप भली भांति परिचित हैं कि काल सर्प योग के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है उसमें से तीसरे काल सर्प योग के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में राहु बैठता है और नौवें भाव में केतु, इन दोनों ग्रहों के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो वासुकी नाम का काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प योग में पैदा हुआ बच्चा अपने माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब परिवार से फटकार का सामना करता है। उसको अपने परिवार वालों का सुख कम मिलता है, विचार कम मिलते हैं। इसके लिए मान सम्मान की भी हानि होती है, समाज में उसको मान सम्मान की प्राप्ति भी नहीं होती। और तीसरा भाव भाई का स्थान होता है, नौवां भाव भाग्य स्थान होता है। भाई से तो बनती रही और भाग्य में बढ़ोतरी नहीं होती, इसलिए इस काल सर्प योग वाले बच्चे को विशेष रूप से मान हानि और भाग्य में बढ़ोतरी नहीं होती। इसके निवारण के लिए आज आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय के करने के बाद इन सब कारणों से, इन सब ग्रहों की शांति के लिए अति उत्तम उपाय है, इसको अवश्य करें। आप सामग्री लिख लीजिए: नीला कपड़ा 1.25 मीटर, काले तिल 125 ग्राम, काला उड़द 125 ग्राम, लोहे का कील 5, लौंग 7 पीस, रान का टुकड़ा 1 पीस, कांच का टुकड़ा 1 पीस, नागनागिन का जोड़ा 1, नारियल 1 पानी वाला, ये सारा सामान आप नीले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद चलते पानी के पास जाएं, वहां पे राइट वाले हाथ में लेके अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, 7 बार वारें और पीछे को फेंक दें। यह उपाय आपने 7 शनिवार करना है। शुक्ल पक्ष के चांद्रे पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करना है और 7 शनिवार आपने लगातार यह उपाय करना है। यह उपाय करके देखें, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आपके खुद के मन और विचार, जो क्लेशी मन है, उसमें शांति मिलेगा और सद्बुद्धि के तरफ ये बच्चा चला जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे भाग्य में बढ़ोतरी होगी और कुटुंब परिवार से भी अच्छा बनेगा। यह उपाय आप अवश्य करें। यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है, उपाय के करने से रिजल्ट आता है, तो आप हमारे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इस काल सर्प योग के बारे में या किसी भी ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारे से संपर्क करना है, पूजा पाठ के लिए संपर्क करना है, तो हमारे आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9215181108।